हेलो फ्रेंड्स, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आसानसोल का प्रसिद्ध मंदिर घाघर बूढ़ी का दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और जिससे इसका नाम घाघर बूढ़ी पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं ये मंदिर कौन सा है और इससे जुड़ी हुई कहानी क्या है। घाघर बूढ़ी माँ चंडी का एक रूप है। 550 साल पहले आसानसोल आसान पेड़ों का जंगल था। यहाँ पर कंगाली चरण चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ रहते थे। पूजा करने के लिए पास के गांव में वो जाते थे। उसे रोज नूनी नदी पार करके आना जाना पड़ता था। एक दिन पूजा देके लौटते समय वो थक के नदी के पार करके एक पेड़ के नीचे सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो देखा अंधेरा हो चुका था। अचानक वो अपने सामने एक घाघरा और गहने पहनी हुई बूढ़ी औरत को देखता है। हाथों में लाठी लिए हुए वो उसके पास आती है, जिसके अंदर से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी। वो कंगाली चरण को 3 पिंड देती है और बोलती है, आज से तुम इस 3 पिंडों को पूजा करना, तुम्हें इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अचानक कंगाली चरण का नींद टूटता है तो वो देखता है तब सवेरा हो चुका था और उसके गोद में 3 पिंड रखे हुए थे। तब से लेके आज तक वो 3 पिंडों का ही पूजा किया जाता है। ये 3 पिंड में से बीच वाला पिंड भगवान घाघर बूढ़ी के रूप में माना जाता है, उनका बाएं वाला पिंड भगवान दुर्गा का रूप माना जाता है और उनका दाएं हाथ वाला पिंड पंचानन महादेव के नाम से पूजा जाता है। ये 3 पिंड मैं आज आप लोगों को दिखाई, जो आपका गहने से उनका पूरा साज सज्जा किया हुआ था। ये मंदिर के आसपास में एक और नया मंदिर तैयार हो रहा है, जहाँ देखिए अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पे भी आपका ये 3 मूर्ति है। हम इस जगह को बहुत मानते हैं और हम कोई भी बड़ा काम यहाँ पूजा किए बिना हम करते नहीं हैं, और हमारा सभी का मानना है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो अगर आप कभी भी इस तरफ आए तो घाघर बूढ़ी दर्शन करना बिल्कुल ना भूले। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।